नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख के पहचान चुके होंगे, आज हम लोग एक और जीके की ट्रिक पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ट्रिक पसंद है तो जो भी आपके कमेंट्स हो, जो सजेशन हो, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो सबसे पहला था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 1951 में। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और ये रिलेटेड था लैंड रिफॉर्म से। तो लैंड रिफॉर्म जो लैंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करती है उसको गवर्नमेंट ने डाल दिया था 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल जो है वो एक तरह का अम्ब्रेला शेड्यूल है जिसमें जो है कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1951 में। ट्रिक इसकी ये है कि 1951 में भी लास्ट टाइम वन आता है और वन में भी लास्ट टाइम वन आता है। उसके बाद आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसको इसका ईयर याद करने की ट्रिक है कि 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 1956। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1956 में और ये रिलेटेड है स्टेट्स जो बने थे लैंग्वेज के बेसिस पे। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जो भाषा आधारित राज्य था। इसके बाद आता है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9वां संविधान संशोधन जो था ये 1960 में आया था। और इसको याद करने की ट्रिक है कि अगर 9 का मिरर इमेज लेंगे तो बनेगा पी, यानी कि पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान कुछ लैंड एग्रीमेंट किए थे जिसमें जमीन जो थी वो इधर से उधर की गई थी बॉर्डर पर। तो ये जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1960 में आया था। उसके बाद आता है 12वां संविधान संशोधन, जो 12वां संविधान संशोधन था ये रिलेटेड है गोवा, दमन और दीव से। तो ये 1962 में आया था और गोवा, दमन और दीव जो है एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा इन तीनों को मिला था। और इसकी ट्रिक ये है कि जो इसका ईयर ये है 1962, तो इसकी ट्रिक ये है कि लास्ट में इसमें 2 आ रहा है और 1962 में भी लास्ट में 2 आता है। उसके बाद आता है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 13वां संविधान संशोधन था ये आया था 1962 में ही और ये रिलेटेड है इसमें बना था नागालैंड। तो नागालैंड जो है 13वें संविधान संशोधन से एक राज्य बना था 1962 में। इसके बाद फिर आता है 14th संविधान संशोधन, जो कि आया था आपका 1962 में ही और ये रिलेटेड है 14th संविधान संशोधन पौंडीचेरी से। तो पौंडीचेरी को एक स्टेट का दर्जा दिया गया था, सॉरी स्टेट कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। इससे पहले पौंडीचेरी जो है वो फ्रांस के अधिकार में आता था, बाद में पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी बना था इंडियन यूनियन के अंदर और इसका ईयर था 1962। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये 1951 में आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये आया था 1956 में, 9th आया था 1960 में, 12th आया था 1962 में, 13th आया था 1962 में, 14th आया था 1962 में। जो पहला था वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, 7th जो था वो रिलेटेड था डिवीजन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, 9वां संविधान संशोधन जो था ये रिलेटेड था पाकिस्तान के साथ लैंड एग्रीमेंट, 12वां संविधान संशोधन था गोवा, दमन, दीव यूनियन टेरिटरी बने थे, 13वां संविधान संशोधन में सिक्किम, सॉरी है ये नागालैंड जो है एक स्टेट बना था 1962 में, और 14th संविधान संशोधन जो है ये पौंडीचेरी से रिलेटेड था। इसमें पौंडीचेरी जो है एक यूनियन टेरिटरी बना था और ये भी 1962 में आया था। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो जो भी आप लोग के सजेशन हैं, कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।